फॉल्ट सुधारते वक्त करंट की चपेट में आया नगर निगम का विद्युत कर्मी, जिला अस्पताल में इलाज जारी। विश्व एड्स दिवस पर हुए जागरूकता कार्यक्रम, नर्सिंग छात्राओं ने निकाली एड्स जागरूकता रैली। मध्य प्रदेश राज्य ओपन परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रारंभ, साथ ही शुरू हुए रुक जाना नहीं के पेपर। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में शुरू हुई संभाग स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा, 30-30 ओवर्स के मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और सिटी हलचल के साथ मैं हूँ संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं खबरों की। पीजी कॉलेज में लाइन का फॉल्ट सुधारते वक्त नगर निगम में कार्यरत माखन नामक विद्युत कर्मी करंट लगने से झुलस गया, इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है कि चुनाव में लगे हुए थे जो फ्लैट, कहाँ लगे? ये आपके पीजी कॉलेज रोड में। हाँ, तो वहाँ क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज के कारण वहाँ लाइटें बंद हो रही थी, तो बोले इसको कुछ फ्लैटों को खोल दें तो वोल्टेज अच्छा रहेगा और लाइट भी जलेंगे। तो फ्लैट जैसे खोलने गए तो एक फ्लैट खोला उधर का, पूरे खोल गए थे करीब करीब रोडों का। अब पीजी काले रोड से जो धर्म टेकरी रोड है उधर के खोल रहे थे, तो एक फ्लैट खोले दूसरी फ्लैट जैसे खोलने लगे, तो क्या वो पेंचिस जैसे हुए उठाए हाइड्रोलिक मशीन से और वायर काटने का कोशिश किए, तो एकदम वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ऐसी आवाज़ आई कि इनके हाथ से फ्लैट गिर गया, ये डोलची में बैठ गए, क्योंकि इनका आज ब्रेकफास्ट भी है। तो ये जब बैठ गए तो डोलची को मैं नीचे करवाया, तुरंत इनको उठाए के नीचे इनको गाड़ी में लेके डायरेक्ट यहाँ हम लोग आ गए, जो हमारे विभाग के जितने कर्मचारी थे। कौन से विभाग के? नगर निगम के विद्युत शाखा के जो कर्मचारी थे, तो हम लोग तुरंत यहाँ मेन हॉस्पिटल लेके आ गए। किस पद पे हैं ये? जो है तो लाइन मैन के पद पर हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। कहाँ से? ये है सावरी काराघाट कंपनी। काराघाट? काराघाट कंपनी। काराघाट कंपनी कहाँ से? जीरपानी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है माखन परतेती। तो क्या सुरक्षा के लिए दस्ताने वगैरह कुछ नहीं थे? कुछ नहीं, दस्ताने रहते हैं, पहने नहीं थे। पहने नहीं थे, जबकि हमारे गाड़ी में दस्ताने रहते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का तो काम करते हैं, स्ट्रीट लाइट में दिन में करंट नहीं रहता। पहनते क्यों नहीं दस्ताने? जबकि इनको पहनना चाहिए, जब ट्रांसफार्मर में काम कर रहे हैं तो इनको पहनना चाहिए सुरक्षा के लिए। पहने नहीं थे। छिंदवाड़ा में आज विश्व एड्स दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन दानियलसन कॉलेज में किया गया, जहां विषय विशेषज्ञों ने HIV संक्रमण एवं एड्स से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जैसे जिले में पिछले 12 सालों में 808 एड्स पॉजिटिव दर्ज हैं, जबकि इस साल 2018 में 58 चिन्हित हो चुके हैं। जिले में सन 2006 से अब तक 78 जाने एड्स ने ली हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कांच की सिरिंज आजकल बहुत ही कम यूज होती है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि डिस्पोजेबल नीडल का वो हर किसी के लिए सेपरेट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन को रोकना, तो उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है PMTCT, है ना, पोस्टपार्टम मेटरनल टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, उसे रोकने के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनके मदर फादर दोनों HIV पॉजिटिव थे और बच्चा नेगेटिव है और अभी जिंदा है ऐसे बच्चे, तो ये एक अच्छी रिसर्च है। वहां पर उनका फ्री HIV टेस्ट होगा, और जैसे ही कोई गर्भवती माता HIV पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके लिए दवाओं की सुविधाएं हैं। उसके लिए जो दवाएं आती है उन्हें बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी,
वायरस के विरोध में दी जाने वाली दवाएं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो ART इसके सेंटर बने हुए हैं जो सभी मेडिकल कॉलेजेस में है और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है जहां पर HIV का इंसिडेंस ज्यादा है, जैसे कि छिंदवाड़ा में तो नहीं है, छिंदवाड़ा के पास सिवनी में है, सिवनी में ART सेंटर है। तो अगर कोई गर्भवती माता HIV पॉजिटिव मिलती है तो हम उसे ARP सेंटर भेजते हैं सिवनी में, जहां पर उसकी CD4 सेल एक होती है ना, काउंट होते हैं, CD4 काउंट करते हैं। CD4 एक मार्कर है जो एक विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट में पाया जाता है, उसका काउंट करवाया जाता है, वहां पर वो सेल काउंट होता है और उसके बाद उसको एंटी रिट्रोवायरल दवाएं चालू कर दी जाती है। एक बार वो पेशेंट सिवनी से दवाएं लेना शुरू कर देता है फिर वो आगे का फॉलो अप ट्रीटमेंट छिंदवाड़ा से भी ले सकता है। छिंदवाड़ा शहर को लिंक ART बनाया है, लिंक यानी ART सेंटर से जुड़ा हुआ। आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर नर्सिंग की छात्राओं और समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने जागरूकता रैली निकाली। स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आज जनजागरूकता रैली नर्सिंग हॉस्टल एवं NGO के साथियों के द्वारा निकाली गई और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में एड्स के प्रति जनजागरूकता आए और इस हिसाब से जो एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है उससे हमें कैसा रोक लगाना है, तो ये एक ऐसा संदेश रैली के माध्यम से दिया गया है और जिसमें विशेष तौर से नर्सिंग की जो हमारे जो सिस्टर्स जो लोग हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है उनका सहयोग रहा। TI प्रोजेक्ट जो छिंदवाड़ा में चल रहे हैं और TI की संस्थाओं के लोगों का गूगल से सहयोग रह रहा है और NGO के सदस्य जो लोग जुड़े हुए हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय के द्वारा 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम रैली के रूप में मनाया गया। अतरवाड़ा चौक पर नवंबर की रात लगभग 8:30 बजे हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवाओं की मृत्यु हो गई। वे अतरवाड़ा से छिंदवाड़ा आ रहे थे। नाम पता मालूम है? तुम जाते हो इधर चलो अंदर एक मिनट
ये सुशील ध्रुवे नामक व्यक्ति है। इसके पिताजी की तबीयत खराब होने से अतरवाड़ा में इलाज चल रहा है। तो सुशील और गौतम ये लोग अपने पिताजी को देखने आए थे और उनके साथ में उनका भाजिया आदित्य अतरवाड़ा का रहने वाला। ये तीनों मोटरसाइकिल में बैठकर आज शाम को रात में 8:30 बजे ग्राम अतरवाड़ा से छिंदवाड़ा की ओर मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि अज्ञात वाहन के द्वारा अतरवाड़ा चौक में, जो कि नागपुर नरसिंहपुर मार्ग है, उसमें अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारने से तीनों को गंभीर चोटें लगी थी, जिसमें गौतम की स्पॉट पर मृत्यु हो गई। आदित्य तथा सुशील भी गंभीर चोट लगने से अस्पताल भेजा गया था, जो जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में पहुंचते समय मृत हो गए। इस प्रकार इस घटना में आदित्य, सुशील और गौतम तीनों की मृत्यु हो गई। वाहन का पता नहीं चला, अज्ञात वाहन का पता नहीं चला, रात का समय था इसलिए किसी ने देखा नहीं। नगर निगम द्वारा संचालित सेवा सूत्र बस की टक्कर से आज एक गाय की मृत्यु हो गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे बनी एक मड़िया तोड़ते हुए इस बस ने गाय को कुचल दिया। की बस तेजी से आ रही थी तो उन्हें बीच रोड में गाय थी तो उसको तेजी से टक्कर मारी तो आकर सीधा मंदिर में गिरी। उस कारण मंदिर का पूरा छत गिर गया है और मंदिर का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर गाय की पूरा जगह पर मौत हो गई। उसकी घटना स्थल के हम खुद देखने वाले हैं। कोई इंसानों को चोट नहीं। फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। संतोष कैटर, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। आंखों में सपने संजोए तेरी चाहत के, बरसों से पलके बिछाए तेरी राहों में। जिंदगी में तुम मिले ऐसे कि एक रिश्ता बन गया, एक रिश्ता जो तेरे होने का एहसास दिलाता है। तुझसे दूर ही सही तेरे पास होने का एहसास दिलाता है। तेरे साथ एक नई दुनिया बसाना है। डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, द प्राइड ऑफ महाकौशल ज्वेलर्स कामती वाले, जो बनाए आपको।
के सपनों को हकीकत। किरनार शॉपिंग दिवाली के शुभ अवसर पर लेकर आए मेगा डिस्काउंट महा बचत ऑफर। एक बार में मात्र 3,000 की खरीदी पर आप पाएंगे चांदी का सिक्का फ्री। ऑफर 7 नवंबर 2018 तक। तो आइए चिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग गांधीगंज छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर, किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर LIC ऑफिस के पास परासिया रोड छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेकअप पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्कृष्ट विद्यालय सहित जिले के 7 केंद्रों में आज से मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं प्रारंभ हुई। सरकार की रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के प्रश्न पत्र भी शुरू हुए। राज्य ओपन आयोजित परीक्षा आज जिले के 7 परीक्षा केंद्र में आयोजित है। इसमें 2 प्रकार के पेपर हैं, एक परंपरागत ओपन परीक्षा, दूसरी जो रुक जाना नहीं का द्वितीय अवसर है। ये दोनों परीक्षा 7 केंद्रों में संचालित हो रही है। कितने विद्यार्थी हैं आज हमारे सेंटर में? 518 हैं और बाकी केंद्रों की जानकारी शाम को उपलब्ध होगी।
डिलीवरी के दौरान जिला अस्पताल में एक बच्चे की मृत्यु हो जाने से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने संबंधित चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नहीं बता रहे हैं, फाइल लेके बता रहे हैं। क्या हो गया? बोले सब अच्छी कहीं सब अच्छा। अभी तुम आ कर ठीक कर दो। मैं बात कर रहा हूं। कल उसकी हार्ट बीट भी चेक करी थी तो अब तक सब कुछ अच्छा था। अभी क्या क्या होगा, क्या करेंगे, सुबह तक बोले बढ़िया, सुबह तक बोले ठीक है, बोले नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। भैया सीजर नहीं होता तो बात अलग थी ना, इनको पहले पता देना था ना कि सुबह 9 बजे के पहले बोला था इनको। भैया क्या मतलब है कि अपने को सीजर करना पड़ेगा? तुम 9 बजे जाते ना, काहे को देखने के लिए गए? कल रात में भी कर सकते थे, कुछ अली में जाने ना था। मैडम से मैंने खुद बात करी, कल कच्चे नुमे से बात की हमने, तो कल भी कर सकते थे। सोनोग्राफी करवाए उसमें सब बढ़िया है भैया, भी ले सकते थे ना। कल स्थिति ऐसी थी तो ज्यादा दिन तो हो रहे थे तो रात को कर सकते थे ना। इतनी मोटी ताजी तुम बताओ जरा, कहाँ कौन सी क्या है बताओ। अब आप ना बेटी की तरफ ध्यान दो। भैया क्या जवाब दूंगा उस बेटी को मैं? उसका हालत देखिए आप, हालत देखने लायक नहीं है। रोना गाना मत करो, कहाँ है बताइए। पूरी मैडम लोगों की पूरी गलती है, इनकी लापरवाही से तो मैं बताऊंगी कैसा होता है। इनका संदेश जाना चाहिए दूर तक कि हॉस्पिटल में कितनी गद्दारी चलती है। उन्हें बताया करके नहीं कि चल ठीक है, बच्चा भी सही है, वेट भी अच्छी चल रही है। कल डॉक्टर कंचन दुबे को दिखाया, उन्होंने कहा एडमिट कर दो, उन्होंने चेक किया और बताया कि बच्चा ठीक है। हमने लाके एडमिट किया, प्रोसेस किया, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी बताया। हमें 10 बजे बताता है कि सीजर करना पड़ेगा। फॉर्म वॉर्म में साइन ले लिया हमारे, और फॉर्म में साइन करने के बाद मेरे बेटे की तरफ मेरी दोनों साइन लिया। साइन लेने के बाद बोले ऑपरेशन थिएटर में ले गए, बोले डिलीवरी कर रहे। उसके 15 मिनट बाद ला के बच्ची को हाथ में रख दिया हमारे, और कोई जानकारी हमें दी नहीं गई कि बच्ची कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ, अभी तक भी जानकारी नहीं दी गई हमें। क्या लगता है किसकी लापरवाही? लापरवाही हमें पूरी जानकारी देना चाहिए था। सब कुछ ठीक था अचानक बच्ची का अचानक, हाँ क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ बच्ची? सुबह तक टहल रही थी मेरी बहू, सुबह तक टहल रही थी बहू मेरी। 8 बजे एडमिट किया गया उसको हॉस्पिटल में, 8 बजे किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर के मुताबिक जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की संभाग स्तरीय क्रिकेट स्पर्धाएं आज से इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में प्रारंभ हुई। प्रतियोगिता का ओपनिंग मैच छिंदवाड़ा और कटनी के बीच खेला गया। धन्यवाद पटवा जी, और शुभम गुप्ते की बॉल पर बहुत अच्छा कवर ड्राइव वहां पर लगाया था कौशिफ ने, और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर कटनी के खिलाड़ियों द्वारा। और ये गेंद हल्की सी लेग साइड में थी, अपने पैट के पास उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ से खेला। शुभम नगर पालिका एंड से और उठा के मारना चाह रहे थे, उन्होंने फील्डर ही देखने गेंद एक बाउंड खाने के बाद कवर बाउंड्री की तरफ जाती हूँ। पहला रन तेजी से लिए, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन वहां अच्छी गेंद और गेंद को बस दिशा दे दिया उन्होंने, गेंद किनारा लगे और दोनों मुस्तैद वाकशाली रहे देवीन वहां पर, और इस तरीके से ओवर समाप्त हुआ। शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयीन जलपुर संभाग क्रिकेट प्रतियोगिता संभागीय प्रतियोगिता का आयोजन आज से पीजी कॉलेज के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली 7 टीमों का समावेश है। आज जो मैच, पहला मैच खेला जा रहा है छिंदवाड़ा वर्सेज कटनी, कल जो मैच खेला जाएगा मंडला वर्सेज
नरसिंहपुर और उसके अलावा सिवनी जबलपुर की टीम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है और यह प्रतियोगिता निरंतर 6 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। 6 तारीख को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा और निर्धारित 30-30 ओवर का यह मैच इस टर्फ गेट पर खेला जा रहा है जो कि हमारे छिंदवाड़ा के दर्शकों के लिए एक देखने योग्य प्रतियोगिता है। मेरा दर्शकों से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित होकर मैच का आनंद लें। धन्यवाद। लालबाग में संचालित सनराइज पब्लिक हाई स्कूल में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रादर्श प्रस्तुत किए। जनपद सभा कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अद्यतन प्रगति की जानकारी लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए गए। अभी तो दिख रहे हैं ना, उसको चेक करो ना, क्यों दिख रहे हैं? लिख के दो या तो फिर कि वो गलत एंट्री वाले हैं। झूला होगा तो बराबर के 20 है। आज की रिपोर्ट है, चेक कर लेना फिर। बुटेरा 53 ऐसा मत करना कि नहीं अब आज मीटिंग हो गई तो बोल तो दिए, तो हमने मैडम से तो बता दिए थे, नाम नहीं दिख रहा है, बैठने से काम क्यों ना चलेगा? फिर उसके लिए कुछ आगे की प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा अपने को। नहीं दिख रहा, नहीं खुल रहा, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, उसको थोड़ा सा आगे प्रोसेस करके और करना है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। इसके बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फॉल्ट सुधारते वक्त करंट की चपेट में आया नगर निगम का विद्युत कर्मी, जिला अस्पताल में इलाज जारी।
विश्व एड्स दिवस पर हुए जागरूकता कार्यक्रम, नर्सिंग छात्राओं ने निकाली एड्स जागरूकता रैली। मध्य प्रदेश राज्य उपमन परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रारंभ, साथ ही शुरू हुए रुक जाना नहीं के पेपर। और इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में शुरू हुई संभाग स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा, 30-30 ओवर्स के मैच। सीढ़ी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।